Hello, my dear students. Once again, I welcome you my YouTube channel, Learning with Aradhana Ma'am. Okay, beta. In our previous video, we discussed about the Mughal emperors. Okay. Now, in our today's video, we are going to discuss about the governors, administration of various Mughal emperors. किस तरह के उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर्स चलाई अपनी इंडिया में दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस टुडेस टॉपिक गवर्नर्स अंडर द मुगल अंपायर मुगल अंपायर के अंडर कैसा शासन काल रहा ये फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहली बात बच्चे ये रही बेटा कि मुगल्स ने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया जो डिसइंटेग्रेटेड था छोटे छोटे प्रोविंसेस थे छोटे छोटे स्टेट थे आपस में लड़ते रहते थे झगड़ते ये पहली बार यूनाइट किया है मुगल्स ने जिसकी हर फॉरेन इन्वेडर्स जो थे एडवांटेज लेते थे इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो आस्क टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये सोने की चिड़िया से सोना सारा निकल गया कैसे क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे डिसइंटेग्रेटेड थे और लड़ते झगड़ते रहते थे मुगल्स ने पहली बार इंडियंस को यूनाइट किया है पॉलिटिकली एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया है पूरे इंडिया में और इंडिया और पर्शियन दोनों तरह के उन्होंने एलिमेंट्स इसमें रखे हैं अदरवाइज हर लैंडलॉर्ड का जागीरदार का प्रिंस का नवाब का जो मर्जी आप कह लो अपने ही सिस्टम होते थे अपने ही राज होते थे स्टेप बाय स्टेप चेंज होते जाते थे एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते ही अब उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है थर्डली वो बिलीव करते थे सुप्रीमेसी ऑफ द किंग किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है ओके जो भी मुगल एम्परर रहेगा वो सुप्रीमेसी होगी और स्ट्रांग आर्मी अगर किंग ने सुप्रीमेसी अपनी रखनी है बादशाहत अपनी रखनी है तो स्ट्रांग आर्मी का होना बहुत जरूरी है ये उनको पता था और मिनिस्टर्स दरबार में होने चाहिए मंत्री जो असिस्ट करेंगे अपने बादशाह को अपने किंग को कोई पावरफुल ना बने ये भी बादशाह ने देखना है मिनिस्टर उसका देन फिफ्थ है अंपायर डिवाइडेड जो उन्होंने अंपायर था मुगल अंपायर वो सूबास में डिवाइड किया सूबास मींस प्रोविंसेस दे डिवाइडेड द अंपायर इनटू प्रोविंसेस मींस सूबास और उसको उन प्रोविंसेस को चलाने के लिए उन प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए दे अपॉइंट द गवर्नर्स ठीक है मींस सूबेदार द होल अंपायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास टू गवर्न द सूबास प्रॉपरली दे अपॉइंट द सूबेदार ठीक है प्रोविंसेस में डिवाइड किया पूरा अंपायर और उनको चलाने के लिए गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं फिर उन्होंने रखा एट दैट टाइम बेटा लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग्स तो उस उन्होंने क्या किया मुगल एम्परर्स ने लैंड रेवेन्यू जिसको हम लोग लैंड टैक्स भी कह सकते हैं आई विल डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो आई डोंट वॉन्ट टू ओके I don't want this video to be so long, so I will discuss briefly. उस टाइम पे लैंड टैक्स ही एक मेन होता था फार्मर पीजेंट से इकट्ठा करने के लिए तो फार्मर पीजेंट से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दीवान इलेक्ट किया था और दीवान अपॉइंट किया था और उसकी पूरी ड्यूटी होती थी लैंड टैक्स का काम चेक करना और सब अप टू डेट रखना फिर नेक्स्ट है कोतवाल पुलिस इंस्पेक्टर आप समझ लो बेटा वो लुक आफ्टर करता था लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर रहे उनके सूबे में प्रोविंस में हर एक प्रोविंस का एक कोतवाल अपॉइंट किया उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये मनसबदार होते थे रैंक होते थे लोअर टू हायर हायर टू हाइएस्ट और हर मनसबदार की अपनी आर्मी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी और जब भी अकबर को जरूरत होती थी ये आर्मी उसके अंडर आके जो थी विक्ट्री एक्सपेडिशन पे जाती थी ओके ये अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड इकोनॉमी सोसाइटी बहुत अच्छी थी ओके बट बैड पार्ट ये था कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स
फर्स्ट में सारे नोबल रॉयल फैमिली के और हाई लेवल के ऑफिशियल होते थे, इसको अपर क्लास कहते थे। दे लेड लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी वो बिताते थे। सो मेनी राइट्स दे एंजॉयड। बट लोअर क्लास जो थी, एग्रीकल्चर, स्मॉल वर्कर, स्मॉल बिजनेसमैन, सारे के सारे काम उनके जिम्मे पे होते थे और उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा मिजरेबल होती थी। दिस वॉज द सोसाइटी। ओके, ये जो थी इंडियंस जो थे, ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा था, फ्लरिश कर रहा था काम। ओके, और इंडियन गुड्स जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इंडियन गुड्स को ही देख के अट्रैक्ट हुए पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश यहां पे ट्रेड करने आए जहांगीर के टाइम पे। आपको पता है ना, जहांगीर ने परमिशन दी थी उनको व्यापार करने की और बाद में कैसे एडवांटेज लेते गए और अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया इंग्लिश ने भी। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन 8th स्टैंडर्ड बेटा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिलीजन। आपको पता है कि मुगल बादशाहों का रिलीजन रहा इस्लाम। मुस्लिम थे, इस्लाम उनका रिलीजन था। इस्लाम को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी काम किए। बट अकबर वॉज द एम्परर जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस थी। उसने दीने इलाही एक मिडल पाथ निकाला सब धर्मों का और इबादत खाना एस्टेब्लिश किया जहां पे हर फ्राइडे इवनिंग को हर धर्म के गुड पॉइंट्स डिस्कस किया जाते थे। ठीक है, हर एक जो थे इस तरह से अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल अंपायर बहुत ज्यादा कहले हम लोग फ्लरिश हुआ, प्रॉस्पर हुआ बाकियों में भी। बट औरंगजेब जो था वो इनटॉलरेंट एम्परर था और उसने कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं किया, कट्टरवाद इतना था, इसीलिए मुगल अंपायर के डेक्लाइन में, डाउनफॉल में उसका बहुत बड़ा हाथ था। समवेयर एंड समहाउ औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल अंपायर एंड हिज रिलीजियस पॉलिसीज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम सबको पता है मुगलों के टाइम पे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड वेल, जेनिथ पे थे, प्रॉस्पर थे, वर्ल्ड फेमस थे। पहली बार तो ठीक है, जो थी उन्होंने राय तरंगनी, महाभारत, रामायण और सारे के सारे पुराण जो थे वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाए क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा बाबरनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी, तुजकी जहांगीरी, ये सब मुगल बादशाहों ने लिखे या उनके टाइम पे लिखे गए। ये प्रूफ करता है कि मुगल एम्परर्स वर स्कॉलर, बहुत ज्यादा स्कॉलर थे। इसके अलावा उनके टाइम पे बहुत सी बिल्डिंग्स बनी जैसे कि रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, ये कितनी ही चीजें ओके जो आज तक वर्ल्ड फेमस है ये आर्किटेक्चर। इसके अलावा जहांगीर जो था वो गार्डन्स का बहुत ज्यादा शौकीन था और उसने फॉन्ड ऑफ गार्डन्स और उसने बहुत से गार्डन